आयुष्मान खुराना की मूवी है और डेफिनेटली इट्स गोना बी लाफ्टर ब्लास्टर क्योंकि बहुत ही मजे की मूवीज बनाती है और यूनिक टॉपिक होता है. मतलब बंदा सोच भी नहीं सकता कि यार ये भी और उसपे भी इतना मजे का जो है ना वो स्टोरी होती है और बहुत ही अच्छी उसमें एक्टिंग और वो बहुत स्टोरी बहुत मजे की होती है. उम्मीद है कि ये भी बहुत अच्छी होगी. देखना स्टार्ट करेंगे. एक बात बताओ बेटा, ये कब डिसाइड किया कि ये बनोगे? क्या? अरे मतलब ये 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 नहीं कहते, ये कहते. हाँ भाई सेम थिंग. कब डिसाइड किया आपने? कब डिसाइड किया कि आप गे नहीं बनोगे? बेटा मम्मी पापा को पता वैसे? मेरा बाप ना लोहार है, तेरे पापा तो पढ़े लिखे हैं, समझ जाएंगे. बोल दो उनको तू मुझसे प्यार करता है. मैं गलत फहमी हुई है. पापा क्या गलत फहमी? कार्तिक को जब मैंने पहली बार देखा था ना मम्मी, मेरी बड़ी हो गई थी. पुतलियां आंख होगी, पुतलियां बड़ी हो गई थी. सुप्रीम कोर्ट जिन पटाखों पे बहस कर रही है ना वो अपने आंगन में फूट रहे हैं. जो तुम्हारे कमरे में गंदी गंदी सीढ़ियाँ होती थी ना, अमन वही देखा करता था. उन सीढ़ियों में लड़कियाँ होती थी. सिर्फ लड़कियाँ होती थी नहीं, लड़के भी होते थे उसमें. लड़के भी दोस्तों, बहुत बीमार. उस बीमारी का नाम है होमोफोबिया. फोबिया डॉल भी बीमारी लगती है और इस बीमारी का कोनो इलाज नहीं. हमने तुम्हारे लिए कुसुम को चुना है. लड़की है. तुझे क्या लगता है तेरे सातवें फेरे पर पिक्चर फ्रीज हो जाएगी? दी एंड, हैप्पी एंडिंग ना बेटा. सुहागराज से तेरा रोडी शुरू होगा. कर पाएगा टास्क? बनेगा रोडी? बेटे की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं. सुनीना जी, हमें पटरी पे धकेल के तुम मदर इंडिया बनना चाह रही हो? बनूंगी मैं मदर इंडिया. मैं माँ हूँ, माँ के पास दिल होता है. हाँ, बाप तो बैटरी से चलते हैं. ये बीमारी साथ वापस आएगी. आपका प्यार पूरा नहीं हुआ तो हर प्यार को नफरत से देखोगे क्या? तुमने पुरुष से प्यार किया, लड़के से क्या फर्क पड़ता है? जो प्यार इनके दिमाग में फिट नहीं बैठता ना उसको दबा देते हैं. पर ये हमारी लड़ाई है और एक आधी हैप्पी एंडिंग तो अपने भी बनती है. हक तेरी तो. रोज हमें लड़ाई लड़नी पड़ती है जिंदगी में, पर जो लड़ाई परिवार के साथ होती है वो सारी लड़ाई में सबसे बड़ी और खतरनाक होती है. अर्जुन को ही देख लो. माथुर साहब का लौंडा वो भी तुम्हारे गैंग में क्या? महाभारत के अर्जुन की बात कर रहा है वकील साहब. डिसलाइक की बात नहीं है. मतलब हाउ टू अप्रिशिएट इट. अगर उसकी जो है वो बात की जाए, जैसे वो अच्छी तरीके से स्टोरी को कंसीव करते हैं, स्टोरी को प्रेजेंट करते हैं, वो सब चीजें ठीक है, एक्टिंग ठीक है. ओवरऑल इस पे मतलब इसकी फार ही अगेंस्ट बोलने की पोजीशन में एटलीस्ट मैं नहीं हूं. मुझे जो है वो सो इट्स अप टू यू गाइस. और अगर जहां तक परफॉर्मेंस और बाकी सब एक ही चीजों की अगर बात करें स्टोरी को हटा के, तो ऑब्वियसली वो तो आयुष्मान खुराना है. मुझे जो नोज पिन पहन के ना, मतलब मेरा भी दिल कर रहा है, मतलब मुझे दिल कर रहा है मैं नोज पिन पहन. मुझे पसंद है लेकिन पहनती नहीं हूँ. तो जो है ना वो मैं देख रही थी, वो बहुत गौर से कि यार देख लो उसने पहन ली है, तुमने नहीं पहनी. तो गाइस उम्मीद है कि बहुत ही जो है फनी होगी. मुझे भी कुछ आइडिया नहीं हुआ इसका कि यार ये मैसेज क्या प्रोवाइड कर रहा है. एक्चुअली एलजीबीटी जो कम्युनिटी है वहाँ पे इंडिया में जो है इसका लॉ पास हो गया और वहाँ पे ये लोग जो है मतलब अब जो गे है ये लोग आपस में शादी कर सकते हैं. बट आई डोंट नो कि इट्स गुड और नॉट बैड. ये तो मतलब वही वाली बात है कि जमहूरियत है और सब हर बंदा आजाद है. पर समटाइम्स मुझे ये होता है कि लीजर के
अगेंस्ट अगर जब आप जाते हैं तो चीजें जो है ना वो ड्रास्टिक होती हैं और वो मतलब वो है ना कुछ ऐसा ही जो भी तो है। मुझे तो लग रहा है कि ये अमेरिका का कानून दिखा रहे हैं कि उस तरह का कानून नहीं नहीं अमेरिका का नहीं है, ये इंडिया में पास हो गया ना, इंडिया में भी पास हो गया और बहुत सी कंट्रीज में हुआ है, इंडिया में भी हो चुका है। गाइस अच्छी बात है, जो लोग मतलब पसंद करते हैं। पर आज मुझे आयुष्मान हमेशा की तरह बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छी एक्टिंग और जो है उम्मीद है कि कमेंट भी कीजिएगा, शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि हमारी वीडियो अपलोड होते ही आपको फौरन से नोटिफिकेशन आ जाए कि फंडामेंटल जो है उनकी वीडियो अपलोड होती है। देखते रहिएगा फंडामेंटल।